बॉलीवुड के सबसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने देश से लेकर विदेश तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। आज ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान भी नहीं था। बड़े संघर्षों के बाद उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। आज बॉलीवुड में नवाज को बड़े बड़े रोल ऑफर होते हैं। मेन विलन से लेकर मेन लीड हीरो तक के रोल वो सिनेमा के पर्दे पर निभाते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, फिल्म में नवाज हो तो दर्शकों की फिल्म से उम्मीद बढ़ जाती है। इस सफलता को पाने में उन्हें 12 साल का वक्त लगा। 19 मई 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना गांव में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म हुआ था। नवाजुद्दीन 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। घर वाले खेती बाड़ी से गुजारा किया करते थे। बुढ़ाना गांव में उनका पूरा बचपन बीता। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी इसी गांव से की। इसके बाद वो हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय गए। यहाँ से उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद नवाज ने वडोदरा में चीफ केमिस्ट की जॉब की। एक साल बाद यहाँ से नवाज दिल्ली गए, जहाँ उन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए वॉचमैन की नौकरी भी की, कभी धनिया बेचने का काम किया। इसके अलावा भी कई छोटे मोटे काम नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किए। नवाजुद्दीन एक दिन अपने दोस्त के साथ नाटक देखने गए थे। स्टेज पर लोगों को देखते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद एक्टिंग करने की ठान ली। उन्होंने किसी तरह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसके बाद 1999 में मुंबई गए। मुंबई में आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर खर्च चलाते थे और एक फ्लैट में 4 लोगों के साथ रूम शेयर करते थे। फिल्मों में काम करने के लिए नवाज ने लगभग 100 ऑडिशन दिए होंगे। नवाजुद्दीन की पहली फिल्म आमिर खान की सरफरोश थी, जिसमें नवाज ने एक आतंकवादी का रोल निभाया था। नवाज का इसमें बहुत छोटा रोल था। वो कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। नवाज के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर रही। इस फिल्म में फैजल नाम के किरदार में नवाज ने जान डाल दी और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज नवाजुद्दीन अपने बेहतरीन अभिनय से भारत ही नहीं विदेश तक अपनी पहचान बना चुके हैं। संघर्ष भले ही लंबा चला हो, लेकिन एक आम सी सूरत होने के बावजूद बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई। नवाजुद्दीन आज 96 करोड़ रुपए के संपत्ति और कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।